Good morning student. In this video, I will read chapter 2 of computer software. देखिए computer software क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे software होते हैं जो हमारे कार्य को काम को easy करने के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारे काम को more easier बना देते हैं. ठीक है, आज हम उन्हीं software के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले है कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट टू कंपोनेंट. कंप्यूटर की जो सिस्टम है वो दो कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. ठीक है, पहले है हार्डवेयर. द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट वी कैन टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, डीवीडी, सीपीयू, हार्ड डिस्क, इन सबको हम टच कर सकते हैं. तो ये सारे पार्ट्स कैसे होते हैं, हार्डवेयर. All the input device, input processing and storage device such as keyboard, mouse, monitor, speakers, printer, scanner, DVD, pen drive, etc. ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं. ठीक है, जितनी भी इनपुट डिवाइस हैं, आउटपुट डिवाइस हैं, स्टोरेज डिवाइस हैं, सारे किसमें आती हैं, हार्डवेयर में आती हैं. इसके बाद आगे देखेंगे सॉफ्टवेयर. देखिए, आपने एक गेम खेला होगा कैंडी क्रश, मोस्ट ऑफ बच्चे खेलते हैं, खेला होगा जिसने. तो देखिए जो कैंडी क्रश एक गेम है, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर था. सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर है. तो जो हमारे जिसको हम टच, इसके अंदर तो नहीं जा सकते ना, इसके अंदर की कैंडी निकाल ले हम, इसको हम टच कर सके नहीं, तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, तो जिसको हम अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट होते हैं, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने काम को इजी करने के लिए यूज करते हैं. कंप्यूटर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, इट नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क. कंप्यूटर अपने आप, जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वो अपने आप काम नहीं करता है, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं किसी भी टास्क को कम्प्लीट करने के लिए. और ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स के द्वारा. सॉफ्टवेयर क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी डेटा को इनपुट करके जो हार्डवेयर से कार्य कराने के लिए. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंप्यूटर को, वो कौन देता है, सॉफ्टवेयर ही देता है. ठीक है, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसको. जैसे कि हमने एक डीवीडी प्लेयर, डीवीडी खरीदी, ठीक है, मूवी देखने के लिए. तो हम डीवीडी को टच कर सकते हैं. तो डीवीडी क्या है, डीवीडी एक हार्डवेयर है. बट उसके अंदर जो मूवी है चलेगी जो, तो वो जो स्टोर है, तो वो मूवी को तो हम नहीं टच कर सकते. तो वो मूवी जो अंदर चल रही होगी, तो वो मूवी क्या है, सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने होते हैं, बेसिकली इसके टू टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंट्रोल करता है या फिर मैनेज करता है जितनी भी एक्टिविटी होती है कंप्यूटर सिस्टम में. ठीक है, तो इसलिए इसको उसका कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर भी बोला जाता है. तो उसका मेन जॉब क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर है रन कर रहे हैं, उसके अंदर कार्य कर रहे हैं, उनको मेंटेन करना या प्रिपेयर करना. जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंटेन करके चलता है. और बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो, ये तो विंडोज है सारी, इनकी सारी विंडोज में ये क्या करता है, काम करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर द वर्क द कंप्यूटर इज लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का. जैसे कि कार तो हमारे पास खड़ी है, मगर ड्राइवर नहीं है चलाने के लिए, तो कार का यूज बेकार है. उसी तरह अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम कंप्यूटर का चलाना भी बेकार होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं कंट्रोल करता है, और जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको हार्डवेयर तक समझाने के लिए उस तक पहुंचाता है. इसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, स्पेसिफिक टाइप का जॉब को फॉलो करता है, हेल्प करता है. जैसे कि हमको ड्रॉ करना है, तो हमको अगर ड्रॉइंग करनी है तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर खोलना पड़ेगा, पेंट का. अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, कोई डेटा बनाना है, चार्ट बनाना है, तो हम क्या खोलेंगे, एमएस एक्सेल, वो भी एक सॉफ्टवेयर है. तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक
उसको करने के लिए काम करता है। जैसे कि हमें कोई गाने सुनने हैं तो हम विंडो मीडिया प्ले खोलेंगे, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जैसे पेंट करना है तो हम खोलेंगे क्या, पेंट विंडो खोलेंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं। जैसे कि हमें मोबाइल में भी होते हैं, जैसे मुझे कैलकुलेशन करनी है तो मैं कैलकुलेटर खोलूंगी, मुझे डेट देखनी है तो कैलेंडर खोलूंगी, है ना। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि मुझे कुछ टाइप करना है, लेटर टाइप करके भेजना है, ऐसे लिखना है, आर्टिकल लिखना है, तो मैं एमएस वर्ड खोलूंगी, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट खोलूंगी मैं, है ना, पावर, क्योंकि पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर मुझे फोटो में कोई डिजाइनिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, फोटो छोटी बड़ी करनी है, तो मैं क्या खोलूंगी, अडोब फोटोशॉप खोलूंगी, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे काम को या फिर स्पेसिफिक चीज को करने के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।